इन दिस वीडियो आई विल कंटिन्यू विद द सेम डिफरेंशिएशन टॉपिक. तो अगर आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप उनको देखना पड़ेगा, बिकॉज ये उनकी कंटिन्यूशन में है ये वाला वीडियो. तो इस स्पेसिफिक इस वीडियो में आई विल डिस्कस हाउ टू डिफरेंशिएट एन इनवर्स फंक्शन. ऐसे कई सारे क्वेश्चन आते हैं मॉड्यूल के अंदर है या आपके बुक्स में हैं, हाउ टू डिफरेंशिएट एन इनवर्स फंक्शन. तो ये मैं मान रहा हूँ इसके अंदर कि इनवर्स आपने ज़्यादा पढ़ा नहीं है, थोड़ा बहुत पढ़ा है लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ा है. कैसे मतलब इसमें देखते हैं कि फॉर्मूले पहले इनवर्स के, जैसे कुछ बेसिक फॉर्मूले हैं जो मैंने फर्स्ट क्लास में भी लिखे थे. तो मेन तीन फॉर्मूले मैं दोबारा लिख देता हूँ. डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स इज वन ओवर वन प्लस एक्स स्क्वायर. डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज वन ओवर स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर. डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स एक्स माइनस वन ओवर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये बाकी और बाकी फंक्शंस के भी हैं, सेकेंड इनवर्स, कोसेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, बट अभी हमें ज़रूरत नहीं है तो आई एम नॉट राइटिंग दोज फॉर्मूलाज. तो जैसे अगर कोई इस तरह का क्वेश्चन है फिर तो डायरेक्ट फॉर्मूला ही लगाना है आपने. फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कॉस इनवर्स वन माइनस एक्स है तो आप फॉर्मूला लगा के डिफ्रेंशिएट कर देंगे चेन रूल. कॉस इनवर्स का डेरिवेटिव माइनस वन ओवर रूट ऑफ वन माइनस एक्स का स्क्वायर, राइट, इंटू डेरिवेटिव ऑफ वन माइनस एक्स. दैट इज डेरिवेटिव वन माइनस एक्स इज वन का डेरिवेटिव जीरो और माइनस एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन. या एंड देन वी कैन सिंप्लीफाई दिस. टू सिंप्लीफाई दिस न्यूमरेटर इज माइनस वन बिकम्स वन एंड इन डिनोमिनेटर यू नो वी कैन अप्लाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला. दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी. दोनों को ऐड करना है तो दोनों को ऐड करेंगे तो टू माइनस एक्स हो गया, दोनों को सेपरेट करेंगे तो वो एक्स हो गया. ये हमारा डेरिवेटिव आ गया. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल. दिस वाज द फर्स्ट एग्जांपल. सेकंड एग्जांपल इज अभी देखिए कॉस इनवर्स डी बाई डी एक्स. अगेन मैं कॉस इनवर्स ले रहा हूँ. कॉस इनवर्स टू एक्स स्क्वायर माइनस वन. सो दिस एग्जांपल इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लास्ट एग्जांपल, राइट. बट इसका जो एक और तरीका करने का, एक तो वो ये सेम है जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल किया है. मैं कॉस इनवर्स का फॉर्मूला लगाऊंगा और फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा डेरिवेटिव ऑफ टू एक्स स्क्वायर माइनस वन से और आंसर आ जाएगा. अभी करते हैं अभी उसको. लेकिन जो एक दूसरा तरीका है वो इनवर्स के प्रॉपर्टीज़ लगा के, इनवर्स के कॉन्सेप्ट लगा के, वो मैं रिकमेंड कर रहा हूँ आप उसमें नहीं जाना. मैं आपको पूरा इनवर्स पढ़ाऊंगा नहीं यहाँ पे. इनवर्स वाला मेथड पूरा कर नहीं सकता क्योंकि इनवर्स की नॉलेज चाहिए उसके लिए. लेकिन मैं बता रहा हूँ आइडिया क्या रहता है उसके अंदर. वी डू द रिप्लेसमेंट, वी डू द सब्स्टिट्यूशन. वी रिप्लेस एक्स इक्वल टू कॉस थीटा हेयर. सो वेन वी डू एक्स इक्वल टू कॉस थीटा दिस वी इट बिकम्स डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स यू नो टू एक्स टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन. सब्स्टिट्यूशन हमने करी है और यहाँ तो सही लग रहा है कि फंक्शन आपका सिंपल हो गया. कॉस इनवर्स ये हो गया कॉस टू थीटा का फॉर्मूला हो गया. टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन इज कॉस टू थीटा ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला. लेकिन इसके बाद अगर आप ऐसे कर रहे हैं या आपने कैंसिल कर दिया कॉस इनवर्स कॉस कॉस हो गया तो ये गलत हो जाता है. डी बाई डी एक्स ऑफ राइट एट टू थीटा राइट विच वी कैन से यू नो डी बाई डी थीटा ऑफ हम चेन रूल लगा देते हैं. इसका डी बाई डी थीटा ले लिया हमने और मल्टीप्लाई कर दिया मैंने डी थीटा बाई डी एक्स से. ये कर लिया मैंने तो ये यहाँ से टू आ गया और डी थीटा बाई डी एक्स मैंने ले लिया यहाँ से यू नो डिफ्रेंशिएट करके. सो दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ रॉन्ग. वाई? बिकॉज ये इनवर्स की बात है कि आप जब आप कॉस इनवर्स और कॉस से कंसिडर करते हैं तो हमें प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का ध्यान रखना पड़ता है कॉस इनवर्स की. तो यहाँ केसेज आते हैं. ये तभी कैंसिल कर सकते हैं जब टू थीटा बिटवीन जीरो एंड पाई होना चाहिए और फिर उसके केसेस बनाने पड़ते हैं. टू थीटा बिटवीन जीरो एंड पाई, टू थीटा बिटवीन माइनस पाई एंड जीरो. सो वी मेक टू केसेस, वील हैव टू मेक टू केसेस एंड देन आंसर ये इसका जो डेरिवेटिव है वो आप देखेंगे तो वो कंपाउंड फंक्शन आ सकता है. दो पार्ट आ सकते हैं कि अगर एक्स बिटवीन दिस है तो अलग आंसर है. तो ये अगर आई वुड नॉट रिकमेंड डूइंग दिस इन दिस क्वेश्चन. अगर आपने इनवर्स पढ़ा भी है, अभी तो मैं यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ क्योंकि आपने, मैं मान रहा हूँ इनवर्स अभी ये इनवर्स की क्लास नहीं है और आपने शायद पढ़ा भी नहीं है. तो हम जो दूसरा मेथड है वो करेंगे. बिल्कुल इसमें कुछ सीखना भी नहीं, स्ट्रेट अवे करना है. तो वो थोड़ा ऐसा नहीं है कि उसमें लगता है कि यू नो चेन रूल लगाने में टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम तो इसमें भी लगेगा. इसमें मिस्टेक भी हो सकती है आपकी. इट्स नॉट ईजी थिंग टू डू. सो अदरवाइज अदर थिंग इज यू नो वील डिफ्रेंशिएट दिस डायरेक्ट फॉर्मूला. कैसे चेन माइनस वन डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ यू नो वन फॉर्मूला भी हमने यूज़ किया है. रूट ऑफ वन माइनस ये इसको हमने पूरे को पैकेट मान लिया, पैकेट का स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर.
यहाँ पे आ गए इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x square minus 1 that is you know 4x derivative 2x square is 4x and derivative minus 1 is 0 so in numerator mein 4x aa gaya so this is you know next step numerator is minus 4x denominator mein hame isko simplify karna hai fir maine same a square minus b square ka formula lagaya dono ko add kiya dono ko add karke to aa gaya mera 1 se 1 cancel 2x square right dono ko add kiya maine and then jab subtract kar rahe hain isme subtract kar rahe hain to aayega 2 माइनस टू एक्स स्क्वायर ए माइनस बी इज 2 माइनस टू एक्स स्क्वायर एंड इन द नेक्स्ट स्टेप अब ये देखिए अब नेक्स्ट स्टेप थोड़ा क्रूशियल है मैंने यहाँ से 2 कॉमन लिया है 2 और 2 4 हो गया और 4 को मैं स्क्वायर रूट से बाहर लाऊंगा तो 2 बन जाएगा सो न्यूमरेटर इज माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर राइट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये बन रहा है अब यहाँ पे आप देखिए ये स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है ये माइनस टू एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है मॉड ऑफ एक्स इंटू रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर तो यहाँ पे मेरा कंपाउंड फंक्शन आता मैं अगर ऐसा वाला लेकिन कंपाउंड फंक्शन यहाँ भी आ गया मॉड एक्स आ गया तो अपना भी दो केस बन गए हैं अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है एक्स जीरो तो हो नहीं सकता क्योंकि डिनोमीटर में जीरो आ जाएगा जीरो पर डेरिवेटिव डिफाइंड नहीं है सो एक्स अगर ग्रेटर देन जीरो है तो मॉड एक्स को मैं एक्स लिखूंगा दिस मॉड एक्स विल बिकम एक्स बिकॉज एक्स इज ग्रेटर देन जीरो एंड देन एक्स विल कैंसिल आउट विद दिस एक्स सो न्यूमरेटर इज माइनस टू डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये डेरिवेटिव है हाँ अगर x लेस देन जीरो है देन मॉड ऑफ x इज माइनस एक्स मॉड ऑफ x क्या माइनस एक्स है तो मेरा माइनस बच जाएगा और माइनस इस वाले माइनस से कैंसिल हो जाएगा मैंने मॉड ऑफ x को लिख के भी देख सकते हैं यहाँ पे मैंने माइनस टू एक्स न्यूमरेटर है डिनोमेटर में मॉड ऑफ x को माइनस एक्स लिखा बिकॉज x लेस देन जीरो है रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर आपने ही पढ़ा होगा मान रहा हूँ मैं फंक्शन के अंदर कि अगर मॉड ऑफ x इज x व्हेन x इज ग्रेटर देन जीरो व्हेन x इज लेस देन जीरो इट इज माइनस एक्स सो देन वी कैंसिल माइनस ऑल्सो वी कैंसिल एक्स ऑल्सो सो डेरिवेटिव राइट हेयर is 2 divided by root of 1 minus x square when x is less than 0. ये derivative है x greater than 0 में मेरा ये derivative है तो ये देखा आपने कि इसमें time लगा नहीं है right? तो इसमें ये ऐसे मैंने यहाँ लिख लिया है तो यहीं से देख रहा आंसर आ गया तो ये इसमें करने की मैं ज़रूरत नहीं है टाइम हमारा नहीं ये हमें ऐसे करने के बजाय आई स्टिल रिकमेंड यू नो डूइंग लाइक दिस क्योंकि हमने चेन रूल की बार प्रैक्टिस कर ली है तो हमें टाइम लगा नहीं है कंपाउंड फंक्शन अपना आप आ जाता है जब भी स्क्वायर रूट और परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो अपना भी वो केसेस आ जाएंगे आपके सो आई विल टेक अनदर एग्जांपल यू नो टू इलस्ट्रेट द सेम थिंग कि इनवर्स को आप डायरेक्ट करिए आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से नहीं करिए अनलेस की कोई रीजन है बहुत कॉम्प्लेक्स है बट जनरली आई वुड रिकमेंड डू इट यू नो यूजिंग डायरेक्टली डिफरेंशिएट विदाउट सब्स्टिट्यूशन मेथड नेक्स्ट एग्जाम्पल इज फंक्शन इज वाई इक्वल्स टू टेन इनवर्स 2x over 1 minus x square. We have to show y dash is 2 divided by 1 plus x square. ये show करना है तो in this case जब differentiate करेंगे इसको तो compound function नहीं आ रहा है तो मतलब दोनों side से definition same आएगी क्योंकि हमें ये show करना है इसे पता चल रहा है तो यहाँ भी जो idea हमें नहीं करना है वो यही है कि अगर यू नो आप सॉल्यूशन देखेंगे काफ़ी जगह शायद ऐसे किया होगा कि रिप्लेस एक्स इक्वल टू टेन थीटा सब्स्टिट्यूशन मेथड तो ये बन जाता है फिर वाई इक्वल टू टेन इनवर्स टेन टू थीटा एंड देन यू नो अपने केसेस बना के टू थीटा बिटवीन माइनस पाई बाय टू जीरो सारे वो केसेस बना के आपने करना है देन जीरो टू पाई वो नहीं कर रहे हम सीधा डिफ्रेंशिएट कर देंगे इसको तो हमने सीधा डिफ्रेंशिएट किया डी वाई बाई डी एक्स वी अप्लाई चेन रूल हेयर राइट चेन रूल इसको पैकेट माना हमने तो टेन इनवर्स का डेरिवेटिव क्या हो गया वन ओवर वन प्लस पैकेट का स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस पैकेट एंड टू डिफरेंशिएट दिस पैकेट वी हैव टू अप्लाई क्वेश्चन टू बिकॉज इट इज रेशियो फॉर्म सो स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर वन माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर नाउ वी टू को बाहर रख लेते हैं डिफरेंशिएट न्यूमरेटर दैट इज डेरिवेटिव ऑफ एक्स दैट इज वन टेकिंग डिनोमिनेटर कॉन्स्टेंट माइनस टेक न्यूमरेटर कॉन्स्टेंट दैट इज टेक एक्स कॉन्स्टेंट डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर डिफरेंशिएट वन माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज माइनस टू एक्स डेरिवेटिव इज माइनस टू एक्स ये आ गया अब डिफरेंशिएट तो हमने कर लिया अब हम मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है राइट मुझे इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने इस साइड पर देखिए हाँ मैंने एलसीएम लिया तो डिनोमिनेटर में हो गया वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस फोर एक्स स्क्वायर ये क्या है और ये टर्म जब न्यूमरेटर में जाएगी वन माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर ये जब ऊपर यहाँ जाएगा तो लिखने की जरूरत नहीं है पूरा इससे कैंसिल हो जाएगा ये दोनों टर्म चली गई सो वी हैव दिस टर्म राइट मल्टीप्लाइड विद वी हैव दिस वी हैव टू सिंप्लीफाई दिस ये सिंप्लीफाई करके टू तो है ही बाहर राइट और यहाँ पर क्या बन रहा है मेरा ये प्लस टू एक्स स्क्वायर है ये माइनस एक्स स्क्वायर है राइट प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर सो इट बिकम्स वन प्लस एक्स स्क्वायर
ये राइट. तो अभी हमें इसको और सिंप्लीफाई करना है राइट. और सिंप्लीफाई करने के लिए आप एक बार इसको ध्यान से देखेंगे, ये क्या है, ये बन रहा है. अगर हम ये वाली आइडेंटिटी आपने देखी हुई है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज टू टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर राइट. सो ये हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे a माइनस बी का. यहां पे देखिए आपने a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू, ये 2x का होल स्क्वायर है. सो मे बी हम ये यूज करेंगे, सॉरी ये नहीं, ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर राइट इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर राइट माइनस 4ab राइट. ये टर्म, ये प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम. सो यहां पे क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये हमें यूज करना है. और एग्जैक्टली हम देखें कैसे, a यहां पे क्या है 1 है और b है मेरा x स्क्वायर ये. सो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये मेरी 4ab टर्म है इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर. तो ये डिनोमिनेटर मेरा बन गया यहां से 1 प्लस a और b. a मेरा 1, b मेरा x स्क्वायर है राइट. सो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये बना और यहां 1 प्लस x स्क्वायर था. एंड नेक्स्ट स्टेप आई कैन कैंसिल 1 प्लस x स्क्वायर विद 1 प्लस x स्क्वायर. यहां परफेक्ट स्क्वायर है तो मैंने कैंसिल कर दिया, तो बस गया 2 ओवर 1 प्लस x स्क्वायर. ये सिंपलीफाई कर लिया. तो लास्ट, वैसे तो हमने चेन रूल ही लगाया है, पहले हमने टेन इनवर्स का डेरिवेटिव लिया है, इसको पैकेट मान के और इसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई किया है, जिसको मैंने क्वेश्चन रूल से डिफरेंशिएट किया है. फिर ये जो मेरे लास्ट के दो स्टेप थे वो सिंप्लीफिकेशन के थे. और सिंप्लीफिकेशन क्यों करनी, क्योंकि या तो चॉइस नहीं मैच करेगी आपके यहाँ पे, या आपने जो शो करना है देखो मैच नहीं कर रहा है. तो मुझे और सिंप्लीफाई करना था, इसको मुझे सिंप्लीफाई करना था, तो मैंने आइडियली ये a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 4ab इज a प्लस बी होल स्क्वायर, वो मैंने रिप्लेस कर दिया. तो ये आंसर आ गया. तो मैं यही सजेस्ट कर रहा हूँ, इनवर्स में सीधा आप डिफरेंशिएट कीजिए. आप सब्स्टिट्यूशन में जाएंगे, वहाँ पे आप अटक जाएंगे. इसमें कई बार ये स्टूडेंट्स प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि उनको प्रैक्टिस नहीं होती चेन रूल की. उनको ये बड़ा मुश्किल काम लगता है जिस तरह से हमने ये स्टेप लिखा है, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है आपकी चेन रूल की. अगर चेन रूल की थोड़ी प्रैक्टिस होगी तो ये स्टेप डिफिकल्ट नहीं है सिंप्लीफाई करने वाला. इससे कंपैरेटिव दूसरा स्टेप भी डिफिकल्ट है, दूसरा मेथड भी डिफिकल्ट है. थैंक यू.